नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की, नवरात्रि के महिमा की और कलश स्थापना की। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का एक महा उपाय और सफलता का एक सक्सेस मंत्र। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:30 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, प्रातः काल 7:32 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातः 7:32 तक। राहु काल का समय जिसमें कोई नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे वो समय होगा दोपहर 3 से 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र, शुक्र और राहु विद्यमान हैं मीन राशि में। बुध और बृहस्पति विद्यमान हैं मेष राशि में। केतु कन्या राशि में। मंगल और शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं नवरात्रि और इसके दिनों के महत्व के बारे में। नवरात्रि वर्ष में वास्तव में 4 पड़ती है, माघ में यानी जनवरी में, चैत्र में यानी अप्रैल में, आषाढ़ में यानी जुलाई में और आश्विन में यानी अक्टूबर में। 2 नवरात्रियां गुप्त नवरात्रि होती है और जिसको हम मुख्य रूप से मनाते हैं वो चैत्र नवरात्रि है और आश्विन नवरात्रि है। आज हम चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, निगेटिविटी समाप्त होती है और सात्विकता की, पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास है, इसीलिए नवरात्रि में शक्ति की पूजा होती है और इसमें देवी की उपासना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है और ये अलग अलग स्वरूप अपने आप में अलग अलग तरह की विशिष्टताएं रखते हैं और हर स्वरूप से अलग अलग तरह का विशेष वरदान मिलता है। साथ ही साथ जो ग्रहों की बाधा है, जो ग्रहों की मुश्किल है, वो मुश्किल भी समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि का आरंभ 9 अप्रैल से हो रहा है और 17 तारीख तक ये चैत्र की नवरात्रि रहेगी, जिसमें हम नवरात्रि के नियमों का पालन
करेंगे। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और सफलता का विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं हो सकती हैं, धन के खर्चे आपके बढ़ेंगे, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कर्ज से आपको राहत मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं, परिवार की मुश्किलें हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। नवरात्रि के प्रथम दिन देवी का आगमन होता है और कलश की स्थापना की जाती है। इसके नियम क्या हैं? देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर और समस्त समस्याओं पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। अगर आप उपवास रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर उपवास नहीं रख रहे हैं तो हल्का सात्विक और पवित्र भोजन ग्रहण करें। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करिए। नवरात्रि के दिनों में तेल मसाला और अनाज ये कम से कम खाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फल का और जल का प्रयोग करना चाहिए। कलश की स्थापना करते समय जल में एक सिक्का डालें, एक मिट्टी या धातु का कलश स्थापित करें, उसमें जल भरें और उसमें एक सिक्का डाल दें। कलश पर नारियल रखें और कलश पर मिट्टी लगाकर जौ बोइए। कलश के निकट एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाइएगा। कलश का मतलब आप स्वयं हैं, आपका शरीर है, और दीपक का मतलब प्रकाश का मतलब देवी का स्वरूप है। तो कलश के बगल में एक ज्योति की स्थापना करिएगा, एक दीपक जलाइएगा, और जो लोग कलश स्थापित करेंगे वो 9 दिन तक देवी का अखंड दीपक जलाए रखेंगे। कलश स्थापना के मुहूर्त के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे नवरात्रि का महा उपाय और सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि,
आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा, परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, करियर में लापरवाही ना करें, संतान पक्ष पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। तुला राशि, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, महत्वपूर्ण काम आपका इस समय बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर के सारे काम आपके पूरे होंगे, वाहन का या संपत्ति का आपको लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। हर नवरात्रि में जब देवी का आगमन होता है तो गणनाओं के हिसाब से हम देखते हैं कि देवी का आगमन किस वाहन पर होगा, और जिस तरह के वाहन पर देवी का आगमन होता है, आगे आने वाले समय में हम ये जानते हैं कि आगे का समय कैसा रहेगा। तो इस बार देवी के आगमन से क्या सूचना मिल रही है? हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, और जिस वाहन पर देवी का आगमन होता है उससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का आगमन घोड़े पर हो रहा है। घोड़ा का वाहन अच्छा नहीं माना जाता, ये युद्ध का और प्राकृतिक आपदाओं का प्रतीक है, यानी आने वाले समय में युद्ध की सूचनाएं, प्राकृतिक आपदाओं के संकेत, ये सब निश्चित रूप से दिखाई देंगे। और सामान्य लोगों के जीवन में बेवजह के विवाद की और बेवजह के दुर्घटनाओं की संभावना बनेगी, यानी आने वाला समय इस बार के देवी के वाहन के अनुसार अगली नवरात्रि तक बहुत उपयुक्त समय नहीं है। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन जब हम कलश की स्थापना करते हैं तो कलश के स्थापना का मुहूर्त बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अब ये जानते हैं कि इस बार कलश की स्थापना का मुहूर्त क्या है। कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, और इस बार प्रतिपदा तिथि 9 अप्रैल को रात के 8:30 तक है, इसलिए कलश की स्थापना इसके पहले कर ली जाएगी। सबसे अच्छा समय होगा प्रातःकाल 6:01 से प्रातःकाल 10:15 के बीच में। प्रातःकाल 6:01 से 10:15 के बीच में इस समय में कलश की स्थापना करना उत्तम होगा।
अगर आप अभिजित मुहूर्त में कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो दोपहर में 11:56 से 12:47 के बीच में भी कलश की स्थापना की जा सकती है। अभिजित मुहूर्त में भी कलश की स्थापना करना अच्छा है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे नवरात्रि के महा उपाय के बारे में और सफलता के लिए एक विशेष सक्सेस मंत्र भी आपको बताएंगे। फिलहाल जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई उपहार या सम्मान मिलेगा, करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, तनाव बेवजह बढ़ सकता है, परिवार में विवाद हो सकता है, करियर में कुछ परिवर्तन होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, कार्यक्षेत्र में लाभ होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि, धन की प्राप्ति होगी, कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलेगा, अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तो ये तो रहा 12 राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। अब जान लेते हैं नवरात्रि के एक विशेष महा उपाय के बारे में। नवरात्रि में किसी भी दिन जब आप पूजा करते हैं, एक पान के पत्ते पर रख करके गुलाब की पंखुड़ियां देवी के चरणों में अर्पित करें। इसके बाद माता दुर्गा से, देवी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 9 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 9 अप्रैल मंगलवार को प्रातः काल माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें। घर से निकलते समय उस फूल को अपने पास रख लें। अगर आप सुबह सुबह या दिन के समय में ऐसा कर लेते हैं तो आपको दिन भर के कार्यों में सफलता मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।